from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. ये एक स्पीच है यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जो कि उसने मिजोरी यूएसए में दी थी 1946 में। इस स्पीच में उसने बात की एक आयरन कर्टन के बारे में। चर्चिल ने कहा कि यूरोप में अब एक आयरन कर्टन आ चुका है, जिसके पीछे जो भी स्टेट्स हैं, उस पार जो भी स्टेट्स हैं, यानी आयरन कर्टन के ईस्ट साइड में जो भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के ऊपर सोवियत का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। सोवियत स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक तैयार हो रहा है। यहाँ पर चर्चिल ने वार्न किया वेस्टर्न नेशंस को, स्पेशली यूएसए को, कि सोवियत यूनियन के इस बढ़ते हुए स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट कुछ किया जाना चाहिए। अब देखिए, कोई भी वेस्टर्न नेशन, चाहे यूके हो या यूएसए, इन्होंने जस्ट अभी एक बहुत ही लंबा वॉर देखा था, उसको फेस किया था। अब ये दोबारा से किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, तो इसीलिए यूएसए में और यूके में भी, चर्चिल की अपनी कंट्री में भी, इस स्पीच को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस स्पीच को, बहुत ही हार्श बताया। पर धीरे धीरे सोवियत यूनियन का इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, सबको नज़र आने लगा। बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट में, यानी ईस्टर्न जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इन स्टेट्स की जो भी पॉलिसीज डिसाइड होती थी, जो भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजंस होते थे, या इन कंट्रीज के लोकल लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी, उनमें सोवियत यूनियन का और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस रहता था। रशिया जानबूझकर इन कंट्रीज पे अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, क्योंकि वो वेस्टर्न यूरोप और रशिया के बीच में एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता था, जिससे कि उसको एक सिक्योरिटी फील हो, उसको दोबारा से किसी तरह के इन्वेजन का खतरा ना रहे। इन सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे स्टालिन ने जो भी अपोजिंग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। केवल जो हार्डलाइन कम्युनिस्ट लीडर्स थे, उन्हीं के हाथ में पूरी पावर सौंप दी, और बहुत सारे सिटीजन्स और लीडर्स जो कि कम्युनिज्म से एग्री नहीं करते थे, वो या तो खुद ही कंट्रीज छोड़ के चले गए, या उनको सोवियत कैंप्स में डाल दिया गया। जॉर्ज एफ कैनन मॉस्को की यूएस एम्बेसी में एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, जो कि कई सालों से सोवियत यूनियन को ऑब्जर्व करते आ रहे थे। उन्होंने वॉशिंगटन को एक डॉक्यूमेंट भेजा, जिसको कि अब लॉन्ग टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है। इस लॉन्ग टेलीग्राम में उन्होंने सोवियत लीडरशिप की इनसिक्योरिटीज के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे स्टालिन अपने वॉयलेंट रिजिम को जस्टिफाई करने के लिए अपने लोगों के सामने वेस्टर्न कंट्रीज को वॉयलेंट, क्रूएल और अनजस्ट बताता है, वेस्टर्न नेशंस को हॉस्टाइल बताता है, आम लोगों का दुश्मन बताता है। लगभग एक साल बाद फिर जॉर्ज एफ कैनन ने ही एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने स्यूडोनिम एक्स का नाम यूज़ किया। इस आर्टिकल का नाम था द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट। इसमें उन्होंने पहली बार सोवियत एक्सपेंशन को कंटेन करने की बात की। सोवियत एक्सपेंशन के कंटेनमेंट का यही आइडिया यूएसए की आगे आने वाली कोल्ड वॉर पॉलिसीज को अगले 50 साल तक शेप करेगा। इनिशियली सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए यूएसए ने दो पॉलिसीज अपनाई, एक ट्रूमन डॉक्ट्रिन और एक मार्शल प्लान। ट्रूमन डॉक्ट्रिन में उन नेशंस को फंड किया जाता था जो कि कम्युनिस्ट्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, और मार्शल प्लान के थ्रू ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपने सारे रिसोर्सेस वॉर में ख़त्म कर दिए थे, उन कंट्रीज को वापस से खड़ा करने के लिए काफ़ी सारे फंड दिए गए। तो इस तरह से शुरू होती है यूएसए की कंटेनमेंट पॉलिसी, जो कि आने वाले अगले 50 साल तक यूएस की कोल्ड वॉर पॉलिसीज को शेप करेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।